हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पास उबला हुआ 1 कप चावल है और आधा कप मेरे पास ना ये है पुलाव। तो दोनों को मैं मिक्सी में डाल लूँगी। कुछ बनाते हैं टेस्टी सी रेसिपी और इनको थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड करूँगी। देखिए, कुछ इस तरह का ये दरदरा पिस गया है। एक हरी मिर्च भी हमने इसमें डाली है ना, और आधा कप से आधा यानी 1/4 कप के करीब पानी डाल के मैंने इसको पीसा है। एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब इस मिक्सचर के अंदर हम डालेंगे 1 कप सूजी, ठीक है, थोड़े से ये मटर, 1.5 टीस्पून नमक डालेंगे, क्योंकि हमारा ना ये 1.5 कप तो राइस ही था, तो 2 टीस्पून डाल देती हूँ। 1.5 कप राइस था और 1 कप हमने सूजी ले ली है, ठीक है। अब उसके अंदर हम डाल रहे हैं 1 कप ये दही। मैं बाउल थोड़ा बड़ा ले लेती हूँ, उसमें मिक्स करते हैं। हमने इस मिक्सचर में ना आधा कप पानी और डाला है और ये ऐसे मिक्स कर लिया है सारा, ठीक है। अब इसको रख देंगे, ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट रेस्ट करते हुए हो गया है। अब हम डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल, 1 टेबल स्पून हमने ऑयल डाल दिया है। इसको मिक्स करेंगे। अब हम इस मिक्सचर में 2 टीस्पून हम ये डालेंगे इनो, क्योंकि 1 टीस्पून तो हमारा उसके लिए है सूजी के लिए, और एक हमने ज्यादा मात्रा बनाई है ना, चावल ज्यादा है, तो हम ये लेवल करके 2 टीस्पून सॉरी इनो डालेंगे। और इसमें हल्का से इसको एक्टिवेट करने के लिए ना पानी डालेंगे, और बस इसको फिर बहुत ज्यादा देर घुमाना नहीं है। हल्का से ऐसे घुमाएंगे, बस ये बबल बनने लगे, समझिए हमारा मिक्सचर तैयार है। अब हम कुछ मिक्सचर तो इडली के सांचों में डालेंगे। हमें देर नहीं करनी है डालने में, क्योंकि हम इनो डाल चुके हैं। और कंसिस्टेंसी आप ऐसी रखेंगे, देखिए पानी ना आप उसी हिसाब से एडजस्ट कर लें दही और पानी, क्योंकि चावल है और कितना किसमें कौन सा वॉटरी है चावल, तो उस तरह से आप देख के कंसिस्टेंसी इसकी चेक रखें। तो कुछ हम इडली के सांचों में डाल लेते हैं। तो पानी गर्म होने रख दिया है इडली का, उसमें हम ये रख देंगे और इसको कवर कर देंगे। पहले 3 मिनट्स, 3 to 5 मिनट्स हाई फ्लेम पे, और उसके बाद हम लो फ्लेम पर इसको कुक करेंगे। तो 1 टेबल स्पून हमने ऑयल डाला, 1 चम्मच हमने सरसों के दाने मस्टर्ड सीड्स डाले, और 10 to 15 मैंने करी लीव्स को इसमें डाला है। और ये तड़कने के बाद रेडी हो गया है हमारा तड़का। और अब जो मिक्सचर हमने बनाया है ना, उसमें से 1 कप भर के मिक्सचर हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। जो भी मिक्सचर आपका बचा है उसमें से आप इस तरह से करके ये मिक्सचर डाल दीजिए। और गैस को हम धीमा करके ना इसको ढक के पकाएंगे। ये देखिए अच्छे से ऊपर से पक गया है, और इसको ना अब हम ऐसे करके चारों तरफ से निकाल के, और इधर पहले हल्का सा ना ऑयल लगाएंगे, क्योंकि उधर तो लगा हुआ है, तो इधर भी हम बहुत हल्का सा ऑयल लगा लेंगे पहले, ठीक है, ताकि ये थोड़ा ना क्रिस्पी हो जाए। हमने इसको मीडियम फ्लेम पर सेका है, तो देखिए कैसे बची हुई चीजों का आप कुछ अच्छा सा बना सकते हैं।
पहले हम इसको प्लेट में निकालते हैं। थोड़ा मुश्किल रहता है टर्न करना, बट बहुत अच्छा। देखिए पास से देखिए आप कितना बढ़िया ये क्रिस्पी हो गया है और फ्लफी है, और गैस देखिए कितनी धीमी है ना। तो इतनी ही धीमी गैस पे अब तक तो हमने इसको ढक के पकाया है, अब हम इसको खुला पकाएंगे क्योंकि इधर से क्रिस्पी हो गया। अगर हम इसे वापस ढकेंगे ना तो ये सॉगी हो जाएगा, तो उधर से भी क्रिस्पी होने तक हम इसके सिकने की इंतजार करते हैं। और ये देखिए आपके सामने मैं निकाल रही हूँ, कितनी अच्छी ये सॉफ्ट इडली बनकर तैयार है। जाली दिख रही है ना, थोड़ा सा हम ठंडा होने के बाद इनको निकालें। ये देखिए है ना सुंदर सॉफ्ट इडली। तो हम सारी इडली इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए सारी इडली बनकर तैयार है, 12 हमारी इडली बनी है इसमें है ना, 12 पीसेस। और मैं आपको यहां से तोड़ के दिखाऊं, ये देखिए ऐसा नहीं है कि चावल डाले हैं तो इडली अच्छी नहीं बनी है। हाँ, आप कैसे उस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं वो आप सोचिए, पर बहुत ही बढ़िया है, काफी सारी क्वांटिटी थी ये देखिए। और इसमें मैं बताऊं, आप तड़का लगा लीजिए, उसमें खाइए, चटनी से खाइए, सांभर से खाइए। मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत बार मैंने इडली में तड़का लगाना आपको बताया है। और ये देखिए ये अच्छे से सिक गया है। बिल्कुल भी चिपका नहीं है, हल्का सा ठंडा होने के बाद हमने इसको निकाला है। और मैं आपको यहाँ कट करके दिखाऊं, ये देखिए, ये देखिए कितना बढ़िया ये पीस है। मैं आपको यहां दिखाऊंगी, बिल्कुल भी चाकू से नहीं चिपक रहा है, बहुत ही टेस्टी बना है। मटर भी बीच में पड़ा है, ये देखिए इसकी जाली। और ये कितना अच्छा सिका है दोनों तरफ से बहुत अच्छे से सिक गया है धीमी गैस पर, और ये है इसका रिजल्ट। तो जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपीज। मैं इडली को ये इसमें नहीं पिक में आ रही है तो मैं इडली को इसमें लगा लेती हूँ, और आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट इडली बनकर तैयार है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।